शिफाली जरीवाला बिग बॉस के घर में हैं और घर के बाहर उनके हस्बैंड पराग त्यागी का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। पराग ने मशहूर बॉलीवुड वेबसाइट bollywoodlive.com से बात करते हुए वो वजह बताई जिसके चलते वो सिद्धार्थ शुक्ला से नफरत करने लगे हैं, लेकिन ये बात सिद्धार्थ और शिफाली के रिलेशनशिप के बारे में नहीं है। पराग त्यागी ने सिद्धार्थ के बारे में एक अलग ही खुलासा करने का दावा किया है। देखिए, ये बात तो सब जानते हैं कि शिफाली जरीवाला ने जिस दिन से बिग बॉस के घर में एंट्री ली है उसी दिन से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनके अफेयर के पुराने किस्सों का जिक्र भी हो रहा है। लेकिन क्या वाकई सिद्धार्थ और शिफाली जरीवाला के बीच कभी अफेयर रहा था? पराग त्यागी ने इस बारे में भी bollywoodlive.com को दिए एक इंटरव्यू में खुलकर सच बताया है। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि अपने इंटरव्यू में पराग ने शिफाली और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप पर क्या कहा। ही सेड, "No, Shefali has been very honest with me about her past. We know all about each other. There is no insecurity. And the thought that she will be locked in the same house as he did not cross my mind ever. It does not affect me. Whatever was between them was 15 years ago. Some people wrongly reported it as they were dating in 2009, which is not true. We totally trust each other and there is no chance of secrets stumbling out on the show." यानी पराग ये तो मानते हैं कि 15 साल पहले सिद्धार्थ और शिफाली के बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जरूर था, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि 2009 में दोनों के बीच अफेयर होने का दावा पूरी तरह से गलत है। पराग ये भी कहते हैं कि शिफाली अपनी पास्ट लाइफ को लेकर उनके साथ काफी ऑनेस्ट रही हैं और उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इस शो पर ऐसा कोई सीक्रेट नहीं खुलने वाला जिससे वो चौंक जाए। आपको बता दें कि काफी लोग घर में फिलहाल शिफाली और सिद्धार्थ के बीच उसी पुराने रिलेशनशिप का स्पार्क ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये तो बात हो गई शिफाली और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप की, जिस पर खुद पराग ने मोहर लगा दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी वजह से पराग सिद्धार्थ शुक्ला से नफरत करते हैं? तो सुनिए, दरअसल पराग त्यागी को लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते और वो अपनी लाइफ में महिलाओं का इस्तेमाल किसी डोर मैट की तरह करते हैं। बॉलीवुड लाइफ को दिए अपने इंटरव्यू में पराग कहते हैं, "I respect women a lot, which is one of the reasons Shefali was drawn to me. But he treats them like a doormat. I do not approve of his behavior with Aarti Singh and the other girls. His body language is also not very gentlemanly with them." साफ है कि पराग को सिद्धार्थ का बिहेवियर रास नहीं आता। आरती सिंह और बाकी लड़कियों का नाम लेकर पराग त्यागी सिद्धार्थ के उस रवैये पर भी उंगली उठाते हैं जो काफी लोगों को चुभता है। खैर, इन सब के बावजूद पराग ये मानते हैं कि बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ सबसे लंबी रेस का घोड़ा है और वो फिनाले में सबको मजबूत टक्कर दे रहा है। फीमेल कंटेस्टेंट के तौर पर शिफाली के आने के बाद गेम में अब और स्पाइस ऐड हो चुका है और देखना ये होगा कि शिफाली जरीवाला बिग बॉस के घर में कहां तक का मुकाम हासिल करती हैं।